वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, जहाँ डांस के साथ साथ व्लॉग्स भी दिखाए जाते हैं। और ये व्लॉग है अबाउट माई प्री वेडिंग, जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। सो कल है हमारी प्री वेडिंग का शूट। सो ये जो प्री वेडिंग है ये हो रही है बहुत ही अलग अलग लोकेशंस पे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और बहुत ही अच्छी अच्छी लोकेशंस है जहाँ पे ऑलमोस्ट होती है लोगों की प्री वेडिंग, और बट बहुत अच्छा होता है तो फिर मज़े भी आते होंगे वहाँ पे, आई डोंट नो। बट अब वो तो मुझे कल ही पता चलेगा कि वो मज़े आएंगे या फिर हैक्टिक हो जाएगा। सो मेरी हालत तो हो रही है यहाँ पे ख़राब, और मेरे साथ साथ इस रूम की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए कितनी सारी सैंडल्स ली है मैंने, ओ माय गॉड, इतनी सैंडल तो कोई वैकेशन पे जाता तो भी नहीं लेता। अभी एक और है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम सुबह सुबह रेडी हो रहे हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है, बट ये पूरा लुक नहीं है, पूरा लुक आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में। ओके चलो बाय बाय। काफ़ी चेंज लुक लग रहा होगा ना आप लोगों को मेरा, मुझे खुद को भी काफ़ी अलग डिफरेंट चेंज लग रहा है, बट आई लाइक इट। वो कहते हैं ना एक अच्छा वाला चेंज, तो वो ही लग रहा है। सो बैक टू द वीडियो, जो राजपूती ड्रेस थी वो मैंने 2 से 3 बार ट्राई करी, मैं 2 से 3 अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करी, और उसमें से मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा, जो कि सबको अच्छा लगा। उसका जो लास्ट लुक था वो अभी आपको दिखेगा, और या फिर आपने अगर मेरी प्री वेडिंग की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको दिखेगा, और वो लाइक हम दोनों को मैच भी करना था, तो देखिए। थकावट भरी वीडियो थी उसके, उससे जो पहले था वो हमने यहाँ जल महल पे शूट किया था, और फिर उसके बाद बारी थी पत्रिका गेट की। जो भी मेकअप चेंज करना था एक लुक से दूसरे लुक का, वो मैंने कार में किया था, ज़्यादा चेंज नहीं किया था, पर थोड़ा बहुत जो भी चेंज करना था वो मैंने कार में किया था। और इतनी धूप गर्मी थी, और फिर लगा कि अभी तो आधा ही दिन हुआ है, अभी आधा दिन बाकी है। और फिर उसके बाद हम गए फिल्म सिटी में, हमने काफ़ी अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करी थी, और फिर ये फाइनल किए थे जो दिखेंगे आपको इस वीडियो में। और यहाँ पे क्या थोड़ी गर्मी कम थी तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया था, पर जो छाले थे वो छलनी हो चुके थे, और एक चीज़ की कमी थी, वो भी आपको आगे दिख जाएगा क्या हुआ था। ये आज के दिन का लास्ट शूट है, और कल भी बहुत ज़्यादा शूट होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और इसी वीडियो के तुरंत 1 मिनट बाद मेरे जो इतना मोटा सारा कांटा लगा है वो इतना दुखमयी था, मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता, लेकिन शूट भी कंप्लीट करना था तो किया हमने। The next day. Good morning guys. आज जो नेक्स्ट मॉर्निंग है ये वो है, और कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, मेरे पैरों की तो हालत ही ख़राब हो गई है, 6 तो छाले हो गए हैं और एक कांटा चुभा है जो अभी तक बहुत दर्द कर रहा है। मैं दिखाऊंगी आपको मेरे पैर, ऐसे जगह जगह मैंने बैंडेज लगा रखी है। आज की लोकेशन है अल्बर्ट हॉल, टंटना। और आज की जो और भी बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस है
वो लोकेशंस आपको वीडियो के साथ साथ पता चल जाएगी कि सच्ची में बहुत अच्छी लोकेशंस है, जो कि नॉर्मली होती है प्री वेडिंग्स में, बट मज़े आने वाले हैं। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जाने वाली हूँ, सो आई एम एक्साइटेड। नर्वस तो नहीं हूँ, एक्साइटेड और थोड़ी सी थकी थकी। फिर जो नेक्स्ट डे की हमारी सेकंड लोकेशन थी, उस दिन तीन ही लोकेशन थी। जो सेकंड लोकेशन थी वो थी हमारी किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। वो जो वाइट वाइट नकली स्नो था ना, वो सब काफ़ी अच्छा था वहाँ, बट वहाँ दोनों दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ थी। टैनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन और फिर इतनी ज़्यादा हीट इसमें आ रही थी ना, हाथों पे लग रही थी। बट उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अभी आपको दिखेगा, बहुत अच्छा था वाला रिज़ल्ट भी। सब सारे रिज़ल्ट अच्छे हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ सारे जो भी वीडियोज़ वगैरह उन सबसे। तो जो किशनगढ़ में हमने शूट किया था, उसमें मेरा मन था कि स्नो स्नो में मैं साड़ी पहनूँ ऐसे बॉलीवुड टाइप में ऐसे मस्त। तो भी हमने कुछ सेलेक्ट कर करके एक साड़ी सेलेक्ट करी, जो कि मैंने करी ब्लू कलर की। जहाँ पे मैंने पहना था रेड गाउन, द ड्रीम रेड टेल गाउन, मज़े आ गए थे उस वक्त तो। अच्छा, हमारा शूट फाइनली हो चुका है और अब हम खाना खाने वाले हैं। If you like this video, please subscribe to my channel. बहुत दिनों से कंटिन्यू नहीं थी, बट नाउ आई विल कंटिन्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।